संचार बंदी के दौरान पुलिस की सेवा कहीं शरबत बांटकर की जा रही है, तो वहीं कुछ युवाओं द्वारा संचार बंदी में काम करने वाले पुलिसों को मास्क देकर अपना कर्तव्य पूरा करते हुए कुछ युवा बढ़कर चौक में दिखाई दिए। संचार बंदी को लेकर पुलिस प्रशासन अच्छा काम कर रही है। पुलिस दिन रात संचार बंदी के मोर्चे पर डटी हुई है। ऐसे में उन्हें ठंडा पानी, मीठा शरबत और मास्क बांटने का काम कुछ युवा कर रहे हैं। दर्शकों, इस समय में इनबीसीएन की टीम बढ़कर चौक में खड़ी है, जिस चौक में हमेशा आवागमन लोगों का रहता है, यातायात बहुत बड़े ज्यादा प्रमाण पे रहते हैं। ऐसे में जब से संचार बंदी लगी है, लोग अपने घरों में आराम फरमा रहे हैं, लोग इक्का दुक्का ही लोग दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि ये तमाम पुलिस सुबह से लेकर शाम तक के बखूबी के साथ अपना कामकाज कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस वाले को भी एक एनर्जी चाहिए, ऐसे एनर्जी ड्रिंक्स देने का काम इस तरह के नौजवान काम कर रहे हैं। आइए पहले उनसे जाना चाहेंगे। आप ये बताएं कि ये एनर्जी ड्रिंक्स देने के पीछे का वजह क्या है? वजह कुछ नहीं है, ये हमारे लिए काम कर रहे हैं, हम उनके लिए काम कर रहे हैं। बस पब्लिक तो नहीं है, पर वही लोग है जो है वो हमारे लिए का सब पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, सबको अपने घर में सुरक्षित रख रहे हैं। तो हमारा भी हम सबका फर्ज बनता है कि बस उनके लिए भी थोड़ा कुछ करें। तो इस तरह के नौजवान कोई यहाँ पे ड्रिंक्स बांट रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स बांट रहा है, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से इनके पास कई ऐसे मास्क है और ये वही नौजवान साथी है जो मास्क बांट रहे हैं। सर, ये बताएं कि कोई कोल्ड ड्रिंक्स बांट रहा है, शीतल पेय बांट रहा है, आप मास्क क्यों बांट रहे हो? क्योंकि सर मास्क एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों के लिए और वैसे ही हमारे पुलिसकर्मी जो कर्मचारी लोगों के लिए, तो अगर ये सुरक्षित रहेंगे, ये भी अगर मजबूती से रहेंगे तो ये ज़्यादा देर तक हमको अच्छी सिक्योरिटी दे सकेंगे और सारी चीज़ें हमको हमारे समाज के लिए प्रदान कर सकेंगे। तो इनके स्वास्थ्य के लिए भी ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, जो मुझे लगता था कि इनको देनी चाहिए, तो मैंने वैसा किया। अब तक कितने पुलिस वाले को दे चुके और लगभग मैं अभी तक 300 मास्क बांट के आ चुका हूँ। ये अभी जो बचे हुए हैं इनको भी मैं डिस्ट्रीब्यूट करके अभी घर जाऊंगा। बिल्कुल, क्या नाम है आपका? हरीश पात्रीकर। हरीश, तो हरीश ने जिस तरह से ये काम कर रहे हैं अपने आप में एक है, क्योंकि संचार बंदी लागू है, लोग अपने घरों में, कुछ ऐसे भी स्वयंसेवी जो युवा लोग हैं काफी अच्छा काम कर रहे हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि पुलिस वाले को भी एक दिल होता है, पुलिस वाले को भी कामकाज करने का उनका एक अपना स्टाइल होता है, चाहे पत्रकार हो, डॉक्टर्स हो या पुलिस। ये संचार बंदी को लेकर काफी अच्छा जन जागृति का, कोरोना वायरस को लेकर जन जागृति का काम कर रही है। ऐसे में कुछ संस्था ने, आप देख सकते कि यहाँ पानी की बोतल भी बांटे जा रही है, लोग आके कई ठंडा शीतल पेय दिया जा रहा है, तो ठंडे पानी की बोतल है, तो कई मास्क है, इस प्रकार का लोग भी बड़े उत्साह के साथ कामकाज कर रहे हैं। यही अगर बात और यही जुनून रहा तो वो दिन दूर नहीं, कोरोना वायरस को पूरी रोकथाम करने के लिए, यहां से बाहर भगाने के लिए, पूरे विश्व से उसको खत्म करने के लिए ये काम पर्याप्त हो सकता है, बशर्ते लोगों ने पालन करना चाहिए। बड़ी खुशी के साथ मैं कह सकता हूं कि आज का संचार बंदी का यह तीसरा दिन है और सब तरफ लोग अपने घरों में है, इक्का दुक्का ही लोग दिखाई दे रहे हैं और कोरोना वायरस की जन जागृति रोकथाम के लिए और संचार बंदी के लिए लोग पूरी तरह से कामकाज कर रहे हैं। बरकत चौक से कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज नागपुर।